एक तरफ देश की बेटियां देश के लिए पदक ला रही हैं, भाई दूसरी ओर देश की बेटियों के साथ ही हैवानियत की हदें पार हो रही हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिहार के मुंगेर ज़िले में एक 8 साल की बच्ची के साथ इस हैवानियत की हदें पार की गई कि वो 2012 के निर्भया गैंग रेप को भी पार कर चुका है। एक छोटी सी बच्ची के साथ कुछ बलात्कारियों ने इस हद तक बलात्कार किया कि उस बच्ची के प्राइवेट पार्ट्स छत बिछत हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं। उसका शव जब पुलिस वालों के हाथ में आया तो वो शव छत बिछत हालत में था। बच्ची की दाई आंख पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी, वहीं दूसरी बाई आंख भी खराब हालत में पाई गई। उसकी हाथों की उंगलियों के नाखून तक निकाल लिए गए, वहीं उसके हाथ पैर भी तोड़ दिए गए। इस हैवानियत की हद पार करने के बाद उन बलात्कारियों ने उसको जान से मार दिया। और इस जिस बच्ची के साथ ये बलात्कार हुआ उसका जब ये शव सुनसान जंगल में पाया गया तो उसके माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। जानिए इस पूरी खबर को। आपने अपने जीवन में ऐसी विभत्स घटना नहीं सुनी होगी, नहीं देखी होगी ऐसी घटना। ये घटना वास्तविकता में आपको रुला देगी, आपके रोंगटे खड़े कर देगी। बिहार के मुंगेर में 8 साल की बच्ची जिसके साथ दरिंदे ने पहले तो बलात्कार किया, फिर इससे भी मन नहीं भरा तो जख्मों के ऐसे निशान छोड़े जो सिर्फ उस बच्ची के शरीर पर नहीं बल्कि समाज पर दिए गए। उस बच्ची के नाखून निकाले गए, उसके हाथ पैर तक तोड़ दिए गए, उसके होठों कूल्हों पेट आदि पर चोट के गंभीर निशान पाए गए। दरिंदगी की ये घटना सफी सराय ओपी एक टोला की है। जानकारी के मुताबिक बच्ची दोपहर में अपने पिता के साथ गंगा घाट पर गई थी। पिता मछली मारने नाव पर सवार होकर चला गया और अपनी बेटी को घर जाने के लिए कह गया। बच्ची वहां से घर के लिए निकली पर शाम तक अपने घर नहीं पहुंची। जब पिता मछली मारकर वापस लौटा तो देखा कि बेटी घर पर नहीं है। इसके बाद वह अपने परिजनों के साथ मिलकर उसकी खोजबीन करने निकल पड़ा। देर रात तक उसका पता नहीं चला, लेकिन रात के अंधेरे के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सुबह कुछ ग्रामीण सोच के लिए निकले तो मासूम बच्ची का शव ईंट भट्टा के पास सीसम पेड़ के नीचे देखा। बच्ची का शव उसके घर के मात्र कुछ मीटर की दूरी पर ही पड़ा था। शव इस हालत में था कि सभी दंग रह गए। बच्ची अर्धनग्न अवस्था में पड़ी थी, वो पूरी तरह लहूलुहान थी। उसका एक एक अंग दर्द के निशान बता रहा था। वो बच्ची भले ही दुनिया को छोड़ गई पर उसका शरीर उस कहानी को बयां कर रहा था जो उसके साथ घटी थी। फिर ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। इस मामले में जांच के लिए SDOP के नेतृत्व में टीम गठित कर दी गई है, लेकिन देखते हैं कि क्या इस बच्ची को न्याय मिलेगा या नहीं।